गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, वॉइस क्लियर है सभी को? यस मैम। रूटीन शो हो रही है? हाँ जी। ठीक है, तो कल वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, फर्स्ट एक्सरसाइज? यस मैम। किसी भी बच्चे को पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई भी पार्ट में कोई डाउट हो, you can ask now. Anyone have any doubt in exercise 1.1? अगर सबकी complete हो गई then तो भी respond करो बेटा। मैम मैंने कल क्लास नहीं सिलाई, मैंने नहीं आई। कोई बात नहीं, तो रिकॉर्डिंग आ जाएगी यूट्यूब पर, तो वहां से आप सुन सकते हो इसको, ठीक है? ओके मैम। हाँ, तो कल हमने, मैं दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आपको आगे वाला समझ आ जाए, ठीक है? तो कल हमने सेट चैप्टर चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। सेट वर्ड का मीनिंग क्या है मैथमेटिक्स में, सेट की डेफिनेशन क्या है कि सेट क्या होता है, कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है जो वेल डिफाइंड हो एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड हो, ठीक है? सेट्स की डेफिनेशन है कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड मतलब उनकी प्रॉपर डेफिनेशन दी गई हो और properly define किए गए होंगे, और साथ में distinguishable मतलब सारे objects क्या हो, distinct हो, different हो, ऐसा ना हो कि वो same हो, ठीक है? और set को किसने discover किया था, set की theory को जॉर्ज कैंटोर ने discover किया था। वो क्या कर रहा था, वो trigonometric study कर रहा था, trigonometric series के problem के ऊपर work कर रहा था, उसी को work करते करते उसने basic definitions and operations बना दिए set के, ठीक है? अब सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना? सेट होता क्या है, देखो कुछ कलेक्शन लिखे हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हम ऑलमोस्ट एवरीडे लाइफ में हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट देखते हैं ऑफ अ पार्टिकुलर काइंड, है ना? जैसे कि एक पैक ऑफ कार्ड है, उसमें सभी कार्ड्स ही हैं, ऐसा तो नहीं है कि उसमें एक डाइस है, है ना? सभी पैक ऑफ कार्ड्स का एक कलेक्शन है, तो वो सेम ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन सभी क्या है, डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि डायमंड के टू 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 है ना, या फिर डायमंड के टू एस कार्ड है या टू क्वीन है, ऐसा तो नहीं है। सभी क्या है, अलग अलग है, या फिर क्राउड ऑफ पीपल, क्रिकेट टीम, ये सभी क्या है, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है किसी एक पार्टिकुलर काइंड का, ठीक है? लेकिन इसको सेट कब बोलेंगे हम, जब ये वेल डिफाइंड हो एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड हो। मैथमेटिक्स में भी ऐसे आते हैं कलेक्शन, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ये सभी क्या है, कलेक्शन है। अभी हम कलेक्शन की बात कर रहे हैं ओनली, जब कोई कलेक्शन वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विशेबल होगा तब हम उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है, सेट है। जैसे कलेक्शन की बात में देखो, कलेक्शन की एग्जांपल ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर 10 से छोटे लिखने हैं, लेस देन 10, कौन कौन से हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है? ये सभी क्या है, डिस्टिंक्ट है, और ये वेल डिफाइंड भी है ना, कि हमें पता है 10 से छोटे नंबर कौन से हैं। उसी तरह रिवर्स ऑफ इंडिया, ये भी कलेक्शन है, हमें पता है कि इंडिया के कौन कौन से रिवर्स हैं। बाउल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये भी हमें ऑलरेडी वेल डिफाइंड हो गया, ये ए ई आई ओ यू। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स, ये भी वेल डिफाइंड हो गया। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, ये भी वेल डिफाइंड हो गया। इस इक्वेशन का सोल्यूशन, ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है। इसकी वैल्यू क्या आएगी एक्स की, 2 एंड 3। ये सभी एग्जाम्पल सभी क्या थी, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की एग्जाम्पल थी। उसके बाद है ना, अब यहाँ से हमें पता है कि कौन सा एलिमेंट सेट को, कलेक्शन को बिलोंग कर रहा है, कौन सा नहीं। देखो मान लो ऑड नंबर्स का सेट लिखा था हमने लेस देन 10, तो वहां कौन कौन से है, 1, 3, 5, 7 एंड 9। अगर मैं बोल दूं कि क्या 11 इसको बिलोंग कर रहा है, लेस देन 10 में तो 11 नहीं आएगा, 11 ऑड तो है, नेचुरल नंबर भी है, बट वो लेस देन 10 नहीं है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अगर हमसे 11 पूछा जाए तो 11 डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट,
ठीक है, लेकिन अगर सेवन पूछा जाए तो वो बिलोंग कर रहा है। बिलोंग क्यों बता रही हूँ, बिकॉज इसका एक सिंबल है जो हम मैथमेटिक्स में करते हैं, ठीक है, वो आगे आएगा। अभी ये मैथ्स के कुछ कलेक्शन को बताया गया है कि इसको कैसे डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर के सेट को एन से, ये सभी क्या है, सेट्स हैं, बिकॉज ये सभी क्या है, वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स के एलिमेंट है ना, डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर, रियल नंबर, ये सभी अब आ गई वही डेफिनेशन के साथ, क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। अगर वेल डिफाइंड ना हो, मान लो मैं बोल दूं मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस ऑफ इंडिया, तो किसी के लिए तो कोई और फाइव का नेम बता दो, किसी के लिए कोई और बेस्ट होंगी, कोई और पॉपुलर होंगी, किसी के लिए कोई और, वो वेल डिफाइंड नहीं है, है ना। अगर मैं बोल दूं एक्ट्रेसेस स्टार्ट्स विद द नेम ऑफ ए, तो ए के नाम से स्टार्ट होने वाली, वो मान लो वो पता है, वो वेल डिफाइन हो गया कि ए के नाम से तो बस ये वाला कलेक्शन है। हो सकता है इनफिनाइट भी हो, वो अनकाउंटेबल हो, बहुत सारे हो, लेकिन वो वेल डिफाइन हो गया, बिकॉज वहां पे हम सिर्फ ए वाले, ए के लेटर से जिनका नेम शुरू होता है वही लिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, देखो बिलोंग्स टू का सिंबल है, यहाँ पे बिलोंग्स टू को हम इसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये ग्रीक सिंबल है, एप्साइलन बोलते हैं इस सिंबल को हम। अगर कोई एलिमेंट, ये सभी सेट के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने ऑड नंबर्स लिखा, सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन थ्री, लेस देन थ्री तो ओनली वन ही आएगा, लेस देन सेवन, थ्री फिर कॉमा फाइव, ये थ्री आ गए, है ना। इनको सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक तो इन सभी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को कॉमा के साथ सेपरेट करते हैं, और साथ में इनके साथ कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ पे कीपैड में कर्ली ब्रैकेट नहीं है, मैं जस्ट ओपन ब्रैकेट से शो कर रही हूँ, लेकिन ये वाला ब्रैकेट नहीं है, कर्ली ब्रेसेस से हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो सेट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बस यहाँ पे ब्रेसेस कैसे होते हैं, कर्ली ब्रेसेस होते हैं, और इन सभी एलिमेंट्स को कॉमा के साथ सेपरेट किया होता है। अब ये सेट है, मान लो कोई तो वो पूछा जाए कि सेवन बिलोंग्स टू दिस सेट, तो आप लिखोगे ऐसे, जैसे ये लिखा है बी, सेवन डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, मान लो इसका नेम ए है। अगर पूछा जाए थ्री बिलोंग टू दिस सेट, देन वी कैन राइट थ्री बिलोंग्स टू सेट ए, बिकॉज थ्री क्या कर रहा है, इसको बिलोंग, ये एप्साइलन जो ग्रीक सिंबल है जिसको एप्साइलन बोलते हैं, इसका मतलब क्या है मैथ्स में, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर बिलोंग कर रहा है देन हम ये वाला डालेंगे एप्साइलन, अगर नहीं कर रहा तो एप्साइलन में स्लैश डालेंगे, ठीक है। देखो आगे सेट को रिप्रेजेंट दो टू फॉर्म्स में किया जाता है, ये हम कल कर चुके हैं, ये सारा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में। ये वाले ब्रैकेट में हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रेसेस में, जो कॉमा के साथ सेपरेट किए होते हैं। सेट को टू फॉर्म्स में हम लिखते हैं, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर को टेबुलर भी बोलते हैं, जो हमने ये लिखी है टू फोर सिक्स, ये रोस्टर फॉर्म ही है। जब हम सिंपल कॉमास के साथ एलिमेंट, ये सारे टू फोर सिक्स को हम क्या बोलते हैं, सेट के एलिमेंट्स, ठीक है, और ये रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं। जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42, ये सभी रोस्टर फॉर्म है। जब हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात कर रहे हैं, जिससे सेट बन रहा हो, तो हम इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। जैसे ये सेट ऑफ ऑल बाउंस, ये क्या है रोस्टर फॉर्म में, तो क्या आ गया, ए ई आई ओ यू। अगर हम इसकी किसमें बात करें, सेट बिल्डर में बात लिख करें, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, एक्स सच दैट, हम इसी सेट को ऐसे लिखेंगे, एक्स एक्स सच दैट एक्स इज अ वाउल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो ये एक्स, ये कॉलन को हम सच दैट बोलते हैं, ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, इससे हम बना सकते हैं, इससे हमें पता चल गया कि एक्स की वैल्यू क्या है। यहाँ से हम लिख सकते हैं ना कि एक्स इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो जो नीचे वाली है वो तो टेबुलर फॉर्म है और रोस्टर फॉर्म है, जो ऊपर वाली है वो सेट बिल्डर है, लेकिन सभी को हमने किस में लिखना है, सभी को
सभी को हमने कर्ली ब्रेसेस में ही लिखना है, ठीक है, लिखना सभी को कर्ली ब्रेसेस में ही है ये वाले ब्रैकेट्स। इस यहाँ पर भी ये ब्रैकेट्स लगेंगे जब हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात करेंगे, जब रोस्टर की तो भी ये वाले ब्रैकेट लगेंगे, ठीक है। ये था, और इसके बाद ऐसे था कि एलिमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए। अगर स्कूल बोल दिया है ना कि स्कूल को लिखो रोस्टर फॉर्म में, तो लिखेंगे एस सी एच ओ एल, उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता। लेकिन हम ओ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, सेट की डेफिनेशन की ही क्या है कि होता क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स एक तो डिफाइंड होने चाहिए वेल, सेकेंड नंबर दे वो नंबर पर वो एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स एक ही बात है। तो ये डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होने चाहिए, हम सेम रिपीट एलिमेंट दोबारा से नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से हमने ये सारा कल कर लिया था, और उसके बाद हमने क्वेश्चंस किए थे एंड एक्सरसाइज की थी। बस ये थोड़ा पता चल गया आपको, बाकी का रिकॉर्डिंग में यू कैन हियर जो कल नहीं थे, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं हम, आज का टॉपिक है एम्प्टी सेट। एक्सरसाइज 1.1 कर ली थी, देखो सेट इसमें कौन सा है कौन सा नहीं है। जैसे सेकंड है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो ये सेट नहीं है बिकॉज सबके लिए राइटर्स क्या है अलग अलग है, सबके लिए सेम, किसी के लिए कोई ज्यादा टैलेंटेड है किसी के लिए कोई ज्यादा, ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसीलिए ये सेट, ये कलेक्शन तो है बट वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए ये क्या है ये सेट नहीं है। लेकिन फर्स्ट वाला सेट है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जनवरी जून एंड जुलाई, ठीक है। तो ये इसमें जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ये भी सेट है। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ये भी सेट है। अगर मुंशी प्रेमचंद ना होता तो हमें नहीं पता था, है ना, तो ये वेल डिफाइंड ना होता, लेकिन ये साथ में है तो ये वेल डिफाइंड हो गया। ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो ये भी क्या हो गया, सेट हो गया। 100 से छोटे हम सभी को बता सकते हैं, वेल डिफाइंड है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये सेट नहीं है। तो किसी को कोई ज्यादा डेंजरस है किसी के लिए कोई और होगा किसी के लिए कोई और, ऐसा तो नहीं। अगर एक ही होता मान लो फिक्स के ये वाला एनिमल मोस्ट डेंजरस कंसीडर किया गया है तो ठीक था, वो सेट था। लेकिन ये तो काफी सारे हो सकते हैं, कोई कुछ और लिखेगा कोई कुछ और लिखेगा, तो वो सेट नहीं है। क्लियर है बेटा कल वाले तक? यस मैम। ठीक है, तो अब फर्दर आज का टॉपिक है एम्प्टी सेट, के सेट खाली कब होता है, एम्प्टी का यही मीनिंग है। देखो सेट कंसीडर कर लिया, ए क्या है, एक्स सच दैट, एक्स ये कौन सी फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास प्लस वन प्रेजेंटली स्टडिंग इन अ स्कूल, ठीक है। तो ये आप बता सकते हो कि यहाँ पे ये एम्प्टी है या नहीं एम्प्टी, इज इट एन एम्प्टी सेट और नॉट। देखो यहाँ पे क्या है कि एक्स स्टूडेंट है क्लास प्लस वन का, जो स्कूल में स्टडी कर रहा है प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये तो सेट है, तो वहां पे हो सकता है वन स्टूडेंट हो, टू हो, थ्री हो, कितने भी हो सकते हैं हमें पता है, लेकिन वो एम्प्टी तो नहीं है। वी कैन गो टू द स्कूल एंड काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंटली स्टडिंग इन क्लास प्लस वन इन द स्कूल, थस सेट ए कंटेन्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके पास इन्फिनाइट नहीं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अगर हम सेट एक और एग्जांपल लिखे बी, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेस 10th एंड 11th, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही स्टूडेंट साइमल्टेनियसली दोनों क्लासेस में बैठा हो, 10th में भी प्लस वन में भी। तो ये क्या हो गया, बी कंटेन्स नो एलिमेंट एट ऑल। तो जो ए सेट था वो एम्प्टी नहीं था, वो फाइनाइट सेट था, उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, लेकिन बी जो है वो एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो, विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं, और नल सेट भी बोलते हैं, नल का मतलब जीरो होता है, और वॉइड सेट भी बोलते हैं, वॉइड का मतलब भी एम्प्टी है। क्लियर है एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्या है? यस और नो बेटा? यस मैम। ठीक है, तो देखो यही डेफिनेशन है कि अगर कोई भी सेट जिसके पास कोई एलिमेंट ना हो, बिल्कुल खाली हो, देखो मान लो हम खाली ब्रेसेस लिखे हैं,
बिल्कुल बीच में कुछ भी नहीं लिखा, तो ये डिनोट करते हैं हम एम्प्टी सेट को। इसका मतलब क्या है, ये सेट तो है लेकिन कौन सा सेट है, एम्प्टी है। हमने ऊपर वाली एग्जांपल में बी हमारा क्या था, एम्प्टी था, बट ए क्या था, एम्प्टी सेट नहीं था, बिकॉज बी से तो कोई एलिमेंट ही नहीं बन रहा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो आ रहे थे। और इसको फाई से, इसको हम सिंबल को फाई बोलते हैं, इसकी प्रोनंसिएशन फाई है, और ये भी किसी और लैंग्वेज का है, ग्रीक का है शायद, तो इसको हम फाई के साथ डिनोट करते हैं। फाई का अगर कहीं फाई लिखा है उसका मतलब भी एम्प्टी है, अगर ऐसे कर्ली ब्रेसेस लिखे हैं तो उसका मतलब भी क्या है, एम्प्टी सेट है। तो ये वाला जस्ट इसको डिनोट करने का सिंबल था। अब फर्दर देखो, एग्जाम्पल करते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल दी है, कुछ एम्प्टी सेट की एग्जाम्पल करते हैं। एक्स सच दैट एक्स लाइज बिटवीन 1 and 2, क्या लिखा है कि ए इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें कर्ली ब्रैकेट से पता चल जाएगा कि ये सेट की बात हो रही है। उसने अगर कुछ नंबर्स करके लिखे हैं 1, 2, 3, फिर हमें पता चल जाएगा कि सेट की कौन सी रिप्रेजेंटेशन है ये, रोस्टर, या फिर हम इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। अगर सच दैट करके कुछ लाइंस में वर्ड्स में लिखा होगा तो हम उस सच दैट से समझ जाएंगे कि वो कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये क्या है, सेट है। यहाँ पे क्या है कि एक सेट ए है, x such that x is greater than 1, less than 2. अगर तो इतना ही होता, मान लो ये ना गिवन होता, x is a natural number, तो कोई ना कोई, अगर मान लो रैश कुछ और होता है ना यहाँ पे natural को छोड़कर, तो हम 1.1, 1.2 कुछ numbers आ जाते, लेकिन हमें condition दे दी x is a natural number। अब 1 और 2 के बीच कोई नेचुरल नंबर है, कोई भी नहीं है, 1, 2, 3 है ना, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं, इनके बीच पॉइंट्स वाले नहीं आते, फ्रैक्शन तो नहीं आता यहाँ पे, तो क्या हुआ, ये सेट एम्प्टी सेट हो गया, बिकॉज नो नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन 1, less than 2 एग्जिस्ट, ठीक है, देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 2, देयरफॉर ए सेट इज एन एम्प्टी सेट। उसी तरह सेकंड एग्जांपल देखो, x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज अ रैशनल नंबर, इसकी वैल्यू निकालो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस 1, 2 प्लस माइनस 2 है ना, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये उधर जाके प्लस का 2 हो गया, फिर स्क्वायर रूट चला गया, रूट 2 आ गया, रूट 2 क्या रूट 2 रैशनल नंबर है, नो, रूट 2 तो इरेशनल नंबर है ना, तो वो तो इरेशनल हो गया, तो ये वाला सेट भी क्या हो गया, सेटिस्फाई नहीं कर रहा इक्वेशन, इस इक्वेशन को एक्स की कोई भी रैशनल वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो मतलब क्या हुआ, ये सेट भी क्या है, एम्प्टी सेट है। उसके बाद बोला है x is an even prime number, अगर तो इतना होता तो ये empty ना होता, even prime number कौन सा होता है, 2, लेकिन ये क्या था, ये empty है, because यहाँ पे साथ में क्या लिख दिया, greater than 2, 2 से greater, तो एक भी prime number ऐसा नहीं है जो even हो, आगे वाले तो सारे odd हैं, 3, 5, 7, 11, 13, 29 है ना, ये सभी क्या है, ऑड प्राइम नंबर्स हैं, ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा है, 2, 2 से ग्रेटर कोई भी नहीं है, तो ये वाला सेट भी क्या हो गया, एम्प्टी। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू 5, या फिर हम लिख सकते हैं खाली कर्ली ब्रेसेस, और बता सकते हैं कि सी क्या है, एक एम्प्टी सेट है। अब लास्ट, x such that x square is equal to 4, x is odd, यहां से जब आप x की values निकालोगे तो कौन कौन सी आएंगी, प्लस माइनस 2, 4 का square root क्या है, 2 है ना, सॉल्व करोगे तो x की कोई odd value तो आया ही नहीं रही, यहाँ पे कोई odd value satisfy नहीं कर रही, पुट करके देखो, 1 का square 1 is not equal to 4, 2 का square 4, 2 तो even है, odd पुट करनी है हमने तो 3 का square 9 is not equal to 4, 5 का square 25 is not equal to 4, ठीक है, तो D क्या हो गया, empty set, because no odd value satisfy this equation, x square is equal to 4, तो clear है empty set, किसी को कोई doubt हो you can ask now। रिस्पॉन्स करो बेटा। नो मैम। ठीक है, सभी को क्लियर है? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फाइनाइट एंड इनफिनाइट सेट। फाइनाइट और इनफिनाइट वर्ड से हम क्या समझते हैं, फाइनाइट जिसको हम काउंट कर सकते हैं लेकिन
मतलब कुछ नंबर्स तक है, मान लो मैंने बोल दिया ऑड नंबर्स लेस देन 100, तो हम उसको काउंट कर सकते हैं इजीली, है ना, और लिख भी सकते हैं, तो वो फाइनाइट हो गया। और अगर मैंने बोल दिया ऑड नंबर्स, तो वो तो अप टू इनफिनिटी है ना, उसमें कोई कंडीशन नहीं बताई, तो वो क्या हो गया, इनफिनाइट हो गया। काउंटेबल तो है, वो काउंट तो हम कर सकते हैं, लेकिन अप टू इनफिनिटी है, वो चलता ही रहेगा, खत्म ही नहीं होगा कभी, है ना। तो ये है फाइनाइट और इनफिनाइट। उसी तरह अब हम सेट की बात करेंगे कि कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा इनफिनाइट है। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अगर मैं बोलूं, तो ये फाइनाइट है या इनफिनाइट, कैन एनीवन टेल? सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैम, यस, इनफिनाइट। हाँ, हम इनको काउंट तो कर सकते हैं, ये काउंटेबल तो है, ऐसा नहीं है कि अनकाउंटेबल है, बट ये क्या है, इनफिनिटी तक जाता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो गया, इनफिनाइट। उसी तरह सेट ऑफ रियल नंबर, इंटीजर, रैशनल, सभी क्या है, इनफिनाइट है। देखो यहाँ भी एग्जांपल देखते हैं कि सपोज कर लिया कि ए की वैल्यू कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, बी की वैल्यू है ए बी सी डी ई ई जी, ये दोनों सेट हैं। देखो कौन सी फॉर्म में है, ए और बी, रोस्टर और सेट, रोस्टर फॉर्म में है। रोस्टर को टेबुलर भी बोलते हैं, बिकॉज सारे एलिमेंट्स जो हैं 1, 2, 3, 4, 5 क्या है, एलिमेंट्स हैं किसके, सेट ए के, वो सभी कॉमास के साथ सेपरेट किए हुए हैं, सभी डिस्टिंक्ट हैं और कर्ली ब्रेसेस में क्लोज किए गए हैं। और सी क्या है, मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी एक सेट है, लेकिन ये रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में नहीं है, ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। मैन लिविंग प्रेजेंटली, मैन जो लिव रहा है, लिविंग है प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब हमें पता चल गया ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं, बी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज सी कंटेन। सी में तो हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, बट सी कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही होगा, बट वो कुछ बिग नंबर होगा, है ना। तो सी को हम, सी को, सी में तो कुछ भी हो सकते हैं, इनफिनाइट हो सकते हैं वो, है ना। तो ये सभी क्या है, ए और बी दोनों क्या है, फाइनाइट सेट हैं, लेकिन सी क्या हो गया, फाइनाइट, बिकॉज बहुत सारे लोग रह रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में, और जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। बहुत कोई नेचुरल नंबर काउंट तो कर सकते हैं, लेकिन इनफिनाइट है, बहुत बिग नेचुरल नंबर है। इसके बाद देखो एग्जांपल, एम्प्टी इनफिनाइट की डेफिनेशन लिखी है, सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट्स ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट या तो वो खाली हो, जो एम्प्टी सेट है उसको भी हम फाइनाइट ही बोलते हैं, या फिर उसके पास डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ठीक है, उनको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर ना तो कोई सेट एम्प्टी है और ना ही उसके पास डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो सेट कौन सा है, इनफिनाइट। देखो जैसे W क्या है, हमें दे दिया W एक सेट है, डेज ऑफ वीक, कितने डेज ऑफ वीक होते हैं, 7, है ना। तो ये क्या हो गया, फाइनाइट, बिकॉज ये एम्प्टी नहीं है, इसके पास डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। उसी तरह S बी द सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, क्या क्या आएंगे, प्लस माइनस 4, तो ये सेट भी क्या हो गया, फाइनाइट। लेकिन G बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, एक लाइन है उसके ऊपर कितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, है ना, लाइन की कोई लेंथ भी नहीं बताई, बहुत सारे नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफिनाइट। तो ऐसा सेट क्या हो गया, इनफिनाइट, यहाँ पर हमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पता, ठीक है। हाँ, तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम अप टू सो ऑन जैसे वैसे करते हैं ना, अप टू सो ऑन डालकर इनफिनाइट नंबर्स को सिंपल रिप्रेजेंट उसी तरह सेट में करेंगे, बिकॉज हम सारे नंबर्स को कर्ली ब्रेसेस में नहीं लिख सकते, तो इनफिनाइट सेट में हम सभी को, जो सेट फाइनाइट नहीं होंगे इनफिनाइट होंगे, उसमें हम सभी नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे प्रोसीडिंग के साथ, बाय डॉट्स, है ना, 1, 2, 3 डॉट फर्दर, ठीक है। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी इनफिनाइट है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, है ना,
1, 3, 5, 7 ये भी इनफिनाइट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1, 2, 3 भी इनफिनाइट है, सेट ऑफ इंटीजर ये भी क्या है इनफिनाइट, माइनस इनफिनिटी से स्टार्ट हो रहा है इनफिनिटी पर खत्म, ठीक है। तो पता चल गया फाइनाइट और इनफिनाइट में डिफरेंस। यस मैम। अभी क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफिनाइट है, फर्स्ट बताओ फाइनाइट है या इनफिनाइट। यहाँ पे एक्स की वैल्यू जब सॉल्व करोगे क्या आएगी, 1 and 2, और दोनों 1 2 दोनों फाइनाइट मैम। हाँ नेचुरल नंबर है। सेकंड वाला देखो फाइनाइट और इनफिनाइट, फाइनाइट। थर्ड में जब सॉल्व करेंगे x की वैल्यू 1/2 आएगी, या 1/2 does not belong to natural number, natural number। तो ये क्या हो गया एम्प्टी सेट हो गया। अब एम्प्टी सेट फाइनाइट होता है या इनफिनाइट, फाइनाइट। हाँ चाहे सेट एम्प्टी हो चाहे फिर वो सेट क्या हो डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उसके पास, दोनों को फाइनाइट बोलेंगे अदरवाइज इनफिनाइट बोलेंगे। x इज अ प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम तो कितने भी नंबर है, नंबर्स सिंस सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इज इनफिनाइट, तो ये क्या हो गया इनफिनाइट। अगर x ऑड है और नेचुरल नंबर है तो ये क्या होगा फाइनाइट या इनफिनाइट, इनफिनाइट। हाँ तो ऑड नेचुरल नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अब एक्सरसाइज से पहले एक और टॉपिक है इक्वल सेट्स, सेट्स इक्वल कब होंगे, ठीक है। इक्वल और इक्विवेलेंट टू वर्ड्स आते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। इक्वल का मतलब तो होता है कि बिल्कुल इक्वल हो चीज, है ना, जैसे कि देखो 1, 2, 3, 4, 3, 1, 4, 2। एक बात और हमने स्कूल में जैसे लिखा था है ना कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मैटर नहीं करता, हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं चाहे 2, 1, 4, 3, ऑर्डर मैटर नहीं करता, बस वैल्यू सेम होनी चाहिए। इक्वल कब होगा जब हमारे पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो और सेम ही नंबर हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 4 है हमारे पास 1, 2, 3, 4, और वही वाले 4 इस सेट में है तो ये इक्वल हो गया। लेकिन अगर इक्विवेलेंट लिखा होता है ना, इक्विवेलेंट वर्ड, तो उसका मतलब होता है सिमिलर, वहां पे हम नंबर्स की बात, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। वहां पे सपोज कर लो एक सेट है हमारे पास ए, ए इज इक्वल टू जैसे कि है 1, 2, 3, 4, ठीक है, क्लोज कर दिया। और एक सेट और है हमारे पास बी, बी इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट में वैसे लिख रही हूँ, आपने कहीं पर भी ओपन ब्रेसेस नहीं लिखने, सेट को रिप्रेजेंट ही कर्ली ब्रेसेस के साथ किया जाता है जो ये बुक में गिवन है। ये वाले ब्रैकेट से ही पता चलता है कि हम सेट की बात कर रहे हैं, ये तो सिंपल ओपन ब्रेसेस है, ठीक है। ये कीपैड में है नहीं, मैं जस्ट इसलिए लिख रही हूँ। मान लो बी सेट है हमारे पास ए ई आई ओ यू, ठीक है, मिल गया मुझे ये वाला ब्रैकेट। अगर ए सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो क्या बोलोगे, तो देखो इन दोनों से बोलो x such that x belongs to natural number, हाँ, और x is less than 5, ठीक है, x क्या है 1, 2, 3, 4, और b को कैसे लिखोगे, b को लिखेंगे x such that it belongs to vowel, हाँ, x is an is a vowel of English alphabet। और अब देखो ये equivalent sets हैं, ये इक्वल तो नहीं है हमारे पास, इसमें इक्विवेलेंट नहीं, मान लो यहाँ पे एक और 4 डाल दो, ठीक है, इक्विवेलेंट है। अब ये इक्विवेलेंट क्यों है, बिकॉज दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अगर हम दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, तो दोनों में कितने हैं, 4 हैं,
इसमें भी हमने फोर वॉवल लिखे हैं ए ई आई ओ, इसमें भी फोर वर्ड्स नंबर लिखे हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो ऐसे सेट्स को हम इक्विवेलेंट बोलते हैं, जिनकी वैल्यू तो सेम नहीं हो, जिसमें क्या हो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये होते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। और इक्वल कब होते हैं, जब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी उतने उतने ही हो, सेम सेम, और उनमें जो जो वैल्यू है एलिमेंट्स की वो भी ऑब्जेक्ट भी सेम हो, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 1 2 3 4, इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। इक्विवेलेंट और इक्वल में मीनिंग पता चल गया, डिफरेंस पता चल गया। यस मैम, ठीक है। तो देखो टू सेट्स एंड डेफिनेशन क्या है, टू सेट्स ए एंड बी, उनको कब इक्वल बोलते हैं, जब उनके पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो, तब हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू बी। अदरवाइज हम सेट को अनइक्वल बोलते हैं, और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए नॉट इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो ये ए की वैल्यू 1 2 3 4 यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल। सेकेंड में देखो, लेट ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6, 6 से लेस देन कौन कौन से प्राइम नंबर है, 2 3 5, ठीक है। और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, वो भी क्या लिखने हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 के प्राइम फैक्टर बनाओ, कौन कौन से आएंगे, ये भी यही आएंगे 2 3 एंड 5, मल्टीप्लाई करो तो क्या बन रहा है, 6 × 5 30 ही बन रहा है। तो ये भी क्या हो गया, इक्वल सेट हो गया, ठीक है। क्लियर है अब ये दोनों एग्जांपल्स? यस मैम। देखो अगर कोई सेट ऐसे गिवन है हमें 1 2 3, ए की वैल्यू 1 2 3, बी की वैल्यू 2 2 1 3 3, तो ये इक्वल ही होंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या है, इसको हम बी को हम, ये इनकरेक्ट है, बिकॉज हमें पता है सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम रिपीट करके नहीं लिख सकते। बी को अगर हम ऐसे लिख दे 1 2 3, तो वो एक ही बात है ना, बिकॉज ये 2 times रिपीट हो रहे हैं 2 and 3, तो ये क्या है, सेट की वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर हम 1 or more एलिमेंट्स को रिपीट करके गिवन दे दिया। हम खुद से तो ऐसे नहीं लिखेंगे रिपीट करके जब हम सेट को डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे है तो उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, फिर हम इसको इन दोनों को ही क्या बोलेंगे कि इक्वल है, बिकॉज हम रिपीटिंग एलिमेंट्स को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब इक्वल सेट का पेयर फाइंड करना है, इनमें से कौन से इक्वल है कौन से नहीं, ए बी सी डी ई, 4 क्वेश्चन गिवन है ना, ए की वैल्यू 0 है, बी में एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 15 लेस देन 5, 5 से लेस कौन से होंगे, 1 2 3 4, है ना, लेकिन 5 कुछ भी माइनस भी हो सकता है, यहाँ कौन सा कंडीशन दी है, नेचुरल या इंटीजर की, है ना, 15 से ग्रेटर, दोनों में कुछ कॉमन तो आ ही नहीं रहा, साथ में एंड लिखा है कि ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं जो 5 से छोटा हो 15 से बड़ा हो, तो बी क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है। और सी में अगर निकालें तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, डी में अगर वैल्यू निकालें तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 5 आ गई, और लास्ट के भी हम फैक्टर बना के इसकी भी वैल्यू, इसके क्या क्या बन जाएंगे फैक्टर, माइनस 5 प्लस 3, है ना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 and -3। अब इन सभी में से देखेंगे हम कौन से आपस में इक्वल है कौन से नहीं, ठीक है। तो हमने सबको देखा लेकिन कोई भी आपस में इक्वल नहीं निकले, only pair of equal set is C and E। C को देखो x की वैल्यू 5 आ रही है, इसमें भी x की वैल्यू क्या आ रही है, एक 5 आ रही है एक -3, लेकिन यहाँ पे साथ में हमें क्या गिवन है, x is an integral positive root, positive root कौन सा है, only 5, और तो C और E आपस में क्या हो गए, equal set का pair बन गया एक। Clear है example? Yes ma'am। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी ऐसे ही पूछा है कौन सा सेट ऑफ पेयर है इक्वल है कौन से पेयर, है ना, हमें चेक करना है। 2 क्वेश्चन दिए हैं, 2 पार्ट्स दिए हैं कि एक तो एक्स क्या है, लेटर है अलॉय का, और बी क्या है, सेट लेटर है एलओ लॉयल का, है ना। दोनों में देखो सेम वर्ड यूज हो रहे हैं, एल सेम अल्फाबेट यूज हो रहे हैं, LOYA, इसमें भी LOYA, ठीक है। तो 4 एलिमेंट्स हो गए दोनों में, हम रिपीट नहीं करेंगे, तो फर्स्ट वाला तो इक्वल हो गया, बी की वैल्यू क्या है, ए एल ओ वाई, और एक्स की भी सेम है, बिकॉज सेट में हम रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट मैटर नहीं करता, है ना, तो देयरफॉर ये क्या हो गया, इक्वल सेट। सेकंड पार्ट को चेक करना है, यहाँ पे एन सच दैट एन बिलोंग्स टू इंटीजर,
एंड एन स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू फोर, तो कौन कौन से आ जाएंगे, फोर से लेस देन और फोर से छोटे स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे टू का माइनस टू का स्क्वायर भी फोर आएगा, माइनस देखो इसको कौन कौन से सेटिस्फाई कर रहे हैं, टू तक ही सेटिस्फाई करेंगे। अगर माइनस थ्री करेंगे तो नाइन इज नॉट लेस देन फोर, जीरो पुट करेंगे जीरो भी आ जाएगा, सेटिस्फाई कर गया, है ना। थ्री करेंगे तो थ्री का स्क्वायर क्या आ गया, नाइन। तो हम पुट करके देखेंगे कौन कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, ये आ गई ए की वैल्यू। बी की वैल्यू निकालो, इसके क्या बनेंगे फैक्टर, माइनस टू एंड माइनस वन, एक्स की वैल्यू क्या आ गई वन और टू। अब इसमें जीरो डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, माइनस वन डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, माइनस टू डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। इसमें टू ही एलिमेंट्स है, इसमें कितने हैं फाइव, ये दोनों इक्वल सेट नहीं है। क्लियर हो गया इक्वल सेट और अनइक्वल सेट्स? यस मैम। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज है 1.2, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, ये आपको खुद से करनी है। देखो फर्स्ट में तो नल सेट बताना है, नल नल लिखाओ, वॉइड लिखाओ या एम्प्टी लिखाओ, एक ही बात है, ठीक है। इसमें से कौन से नल है कौन से नहीं है फर्स्ट में ये चेक करना है। जैसे कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर एक है तो सही ना, टू टू लिख देंगे कर्ली ब्रेसेस में, तो ये क्या हो गया, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, लेस देन फाइव ग्रेटर देन सेवन, ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं कि फाइव से छोटा हो सेवन से बड़ा, है ना। फाइव से छोटे तो वन टू थ्री है जो कि सेवन से बड़े नहीं है, तो ये क्या हो गया एम्प्टी सेट। तो ये आपको खुद से करनी है। और इसी तरह इसमें फाइनाइट और इनफिनाइट चेक करना है, कौन सा फाइनाइट है, ये दिख ही रहा है देखो, मंथ ऑफ अ ईयर फाइनाइट है, है ना। हम लिख सकते हैं एक सेट में अप टू सो ऑन की जरूरत नहीं है, ओनली 12 है। और इसमें नेचुरल नंबर्स हैं, ये तो डॉट डॉट के साथ लिखा है, इनफिनाइट है, ये 100 तक ही लिखा है, तो ये क्या हो गया फाइनाइट। ग्रेटर देन 100 वाला क्या हो जाएगा इनफिनाइट, 100 से ज्यादा कितने हो सकते हैं, है ना, हम काउंट ही बहुत ज्यादा है, इन्फिनिटी तक है। लेस देन 99 तो ये क्या हो गया फाइनाइट। नेक्स्ट में भी हमें फाइनाइट और इनफिनाइट बताना है, थर्ड पार्ट में भी, और फोर्थ में इक्वल टू बताना है, ये भी बिल्कुल इजी है। फिफ्थ में भी इक्वल बताना है, और अगर इक्वल है तो रीजन बताना है, मतलब सॉल्व ही करना है, जस्ट सॉल्व करके कि ये इक्वल आ रहे हैं बिकॉज सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एग्जैक्टली दोनों में। और लास्ट भी यही है कि सिलेक्ट करने हैं इनमें से कौन कौन से सेट आपस में इक्वल हैं, सभी को चेक करना है कि क्या ए बी के इक्वल है, ए सी के इक्वल है, ए डी के या ई के किसके है किसके नहीं है, ठीक है। तो ये सिक्स क्वेश्चन है आपको, होमवर्क है एक्सरसाइज 1.2, फेयर नोटबुक पे करोगे और सारी की सारी एग्जाम्पल्स को रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस करोगे। कंप्लीट एक्सरसाइज करने से पहले आपको सारी एग्जाम्पल्स रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस करनी है, तो एक्सरसाइज आराम से होगी, ऐसा होगा ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है बेटा। ओके मैम। ओके, किसी को भी कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क नाउ। Anyone have any doubt? सभी को क्लियर है बेटा? Yes or no? Yes ma'am. Okay. You can leave now. ठीक है, कल हम करेंगे exercise next.